हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अभी जेएनयू के एग्ज़ाम का कोई नोटिस आया नहीं है, और आप जेएनयू के एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा टेंशन में तो होंगे ही कि एग्ज़ाम कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, और अगर कोई नोटिस आएगा तो आपको सही नोटिस कहाँ से मिलेगा। जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ कि लास्ट मंथ हमारे VC साहब ने इस पे बात किया था, और उन्होंने जैसे बताया कि अभी जैसे सिचुएशन चल रहा है, अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी अभी खुलने वाला नहीं है, जो भी क्लासेस वगैरह चल रही है वो ऑनलाइन ही चलती रहेंगी, और एग्ज़ाम वगैरह हो सकता है कि आप जुलाई में नोटिस वगैरह आए, तो नोटिस होता है जुलाई में, सबसे ठीक रहा था जुलाई में नोटिस आएगा, एग्ज़ाम भी होगा, तो आप पढ़ते रहिए। आप जहाँ भी है अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब होना है तब तो हो ही जाएगा, और आप टेंशन लीजिएगा तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो आप ज़्यादा पैनिक मत होइए, पढ़ाई करते रहिए। और आपको नोटिस आपको कहाँ से मिल सही नोटिस कहाँ से मिलेगा मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट मंथ हमारे VC साहब ने लास्ट मंथ एक मीटिंग में बताया कि अभी फ़िलहाल जो भी एग्ज़ाम्स है सेमेस्टर का वो ऑनलाइन मोड में होंगे, क्लासेस भी ऑनलाइन ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं, और फिलहाल यूनिवर्सिटी अभी ओपन होने वाला नहीं है, और एग्ज़ाम से रिलेटेड उन्होंने ये खबर दिया कि अगर जुलाई अगस्त तक सब ठीक रहा तो नोटिस आएगा और एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी प्रक्रिया है वो अगस्त सितंबर तक पूरा होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर के सिर्फ भरोसे नहीं रहिए, कि क्योंकि आप उस दिन खबर आप नहीं दिखिएगा तो आपका ऐसे छूट जाएगा, नोटिस क्या आया था पता नहीं चल पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप JNU के ऑफिशियल साइट पर जाइए डायरेक्ट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर JNU का ऑफिशियल साइट ओपन हो गया, और यहाँ पर जो लिखा हुआ नीचे क्लिक हेयर टू विजिट मेन वेबसाइट, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो मेन वेबसाइट खुल जाएगा, और यहाँ पर आगे आप देखिए, यहाँ जो मेन वेबसाइट खुल गया, और यहाँ आपको JNU के एग्ज़ाम से रिलेटेड और उससे रिलेटेड सारे खबर यहाँ अपलोड किया जाता है, तो आप यहाँ पर आके डायरेक्ट देख सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे, आपके काम का लगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए, जैसे सारे नोटिस यहाँ अपलोडेड है, COVID-19 से रिलेटेड जो भी नोटिस आए हैं, या एग्ज़ाम से रिलेटेड सेमेस्टर में जो भी यहाँ हॉस्टल में चेंजेज होते हैं वो सब से रिलेटेड है, या आप NTA पर देख सकते हैं, NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है, जो JNU का अभी एग्ज़ाम करा, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ऐसा क्या करेगी, आपको एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो ही जाए, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ कोई मंत्र है नहीं, मैं तो आपको यही बताऊंगा कि आप पढ़ाई जारी रखें, ऐसे टेंशन में गुजारिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम एक्सटेंड हो रहा है तो आपके पास टाइम भी है ज़्यादा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, हो सकता है कि अगर सही से पढ़ाई कीजिएगा कट ऑफ अगर हाई भी जाए तो आपका प्रिपरेशन उस लेवल तक रहे, तो मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नोटिस आ जाएगा, जब भी नोटिस आएगा आपको पता चल जाएगा, मैं आपको जैसे कि लिंक पर बताया वीडियो में, और जब भी एग्ज़ाम होना है एग्ज़ाम होगा, और आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और आगे भी मैं JNU से जुड़ी चीज़ों पर वीडियो बनाता रहूँगा, आपके काम का कोई खबर रहा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।